नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी और इतिहास विषय के दौरान आज हम अध्ययन करेंगे खिलजी वंश के पतन के कारणों का, किस तरीके से खिलजी वंश समाप्त हुआ और उसके लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार और उत्तरदायी थे और सामूहिक रूप से कारण कौन कौन से उत्तरदायी थे। तो पहले खिलजी वंश के पतन को पढ़ने से पहले हम एक बार पुनः जो रिवीजन करते हैं खिलजी वंश के शासकों को जिनके बारे में हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए तो खिलजी वंश के दौरान कौन आता है, जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल देखा जाए तो कहाँ से कहाँ तक रहता है, 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक रहता है। और जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात बात की जाए तो रुकनुद्दीन इब्राहिम छोटे उनके पुत्र को शासक बनाया जाता है उनकी बेगम के द्वारा और वह मात्र कुछ दिनों के लिए शासक रहते हैं। रुकनुद्दीन इब्राहिम 1296 ईस्वी में समाप्त हो जाते हैं। और रुकनुद्दीन इब्राहिम के बाद पश्चात करें तो अलाउद्दीन खिलजी शासक बनते हैं और अलाउद्दीन खिलजी शासक बनने के पश्चात कितने समय तक शासन करते हैं, 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक 20 सालों तक शासन करते हैं। और खिलजी वंश के दौरान सबसे ज़्यादा जो लंबा दीर्घकाल शासन का रहा था वो अलाउद्दीन खिलजी का ही रहता है। अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात बात की जाए तो उनके एक बेटे को पुनः शासन पर छोटे बेटे को बिठाया जाता है जिसकी उम्र महज 6 या 7 साल थी उस वक्त। तो रुकनुद्दीन इब्राहिम को दिल्ली के तख्त सिंहासन पर बिठा दिया जाता है। रुकनुद्दीन इब्राहिम कुछ समय के लिए शासन करते हैं और उनके संरक्षक के रूप में मलिक काफूर काम करते हैं और इन दोनों की हत्या कर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह द्वारा तख्त सिंहासन पर अधिकार कर लिया जाए। और कुतुबुद्दीन मुबारक की बात करें तो कुतुबुद्दीन मुबारक जो 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन करते हैं। ये इतने ही खिलजी वंश के शासक थे और एक खिलजी वंश के दौरान अन्य शासक को भी गिना जाता है जो खिलजी वंश से नहीं था, वो नासिरुद्दीन खुसरव शाह को गिना जाता है। तो खुसरव शाह द्वारा ही कुछ समय के लिए शासन किया जाता है और अंततः खिलजी वंश को समाप्त कर दिया जाता है गाजी मलिक के द्वारा जो पंजाब दीपालपुर का सूबेदार था और गाजी मलिक की आगे जाकर गयासुद्दीन तुगलक के नाम पर दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है और तुगलक वंश की स्थापना करता है। अब हम एक दृष्टि डालेंगे कि खिलजी वंश के जो पतन के मूल कारण कौन से रहे, जिस कारण से इस वंश की जो समाप्ति हो जाती है और इतना ज़्यादा सुदृढ़ और स्थापित किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया जाता है दक्षिण भारत में और पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, कई राजपूताना के क्षेत्र को जीत लिया जाता है, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु के पश्चात ही उसका राज्य साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है और समाप्त हो जाता है। तो पहली बात करें तो खिलजी वंश के पतन के कारण का मुख्य पहला हम निकाल रहे हैं जो टॉपिक, जो मूल कारण ये बता रहे हैं, जो कारण वाइज मैंने इनको लिखा है और इनकी विस्तृत व्याख्या हम करेंगे। तो ये जो खिलजी वंश की स्थापना थी सैनिक शक्ति के आधार पर हुई थी, किस तरीके से जलालुद्दीन खिलजी ने शक्ति के आधार पर सैनिक शक्ति के आधार पर जो केकुबाद और खुसरो है उसको मारकर जो खिलजी वंश की स्थापना की थी और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी दक्षिण भारत में जीते गए जो सैनिक अभियान किए गए और अपार धन जीत लाया गया उसके आधार पर, सैनिक शक्ति के आधार पर ही अपने जो चाचा है जलालुद्दीन खिलजी को उतार दिया जाता है सिंहासन से तख्त से और सैनिक शक्ति के आधार पर साम्राज्य की स्थापना की जाती है, इस वंश की नींव डाली जाती है। और कहते हैं सैनिक शक्ति के आधार पर जो कोई भी वंश होता है उसकी साम्राज्य और वंश की दीर्घायु नहीं होती, यानी वो लंबे समय तक नहीं चल सकता, क्योंकि जब तक ताकत है तब तक है। और ये अपने कहावत भी, जिसकी लाठी उठकी उसकी भैंस, तो सैनिक शक्ति पे आधार पे जो राज्य है वो जल्दी ही समाप्त हो जाता है, क्यों जन भावनाएं उसके प्रति नहीं होती है। अब बात करें स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन, तो ये जो सैनिक शक्ति पे आधारित जो राज्य थे इसमें जो शासकों द्वारा अपनी मनमानी की जाती, निरंकुश जिसका कोई अंकुश नहीं और स्वेच्छाचारी अपनी इच्छा के अनुसार शासन किया जाता था, तो इसमें जन भावनाओं का ध्यान नहीं रखा जाता और जन कल्याणकारी कार्य नहीं किए जाते थे, तो जनता की यहाँ पे स्वामी भक्ति इनके प्रति नहीं रहती है और जब विकट परिस्थितियाँ आती है तो अवसर पाकर जनता इनको बचाने का प्रयास नहीं करती और दूसरे प्रतिद्वंदी द्वारा इस वंश की जो वंश की समाप्ति कर दी जाती है, उस समय जनता का सहयोग यहाँ पे नहीं मिलता इस शासन व्यवस्था के कारण। अब बात करें
तो ये साम्राज्य खिलजी वंश का साम्राज्य है जो सुल्तान की खुद की व्यक्तिगत योग्यता और प्रतिभा पर आधारित था। अलाउद्दीन खिलजी की खुद की व्यक्तिगत योग्यता और प्रतिभाएं थी जिस पर उसने पूरे साम्राज्य का ताना बाना बुना और पूरे वंश को जो खिलजी वंश के दौरान जो सबसे ज़्यादा शासनकाल भी 20 वर्ष उसी का रहता है, तो उसने इस साम्राज्य को अपनी ही योग्यता और प्रतिभा के आधार पर बनाए रखा और उसके उत्तराधिकारियों में ये योग्यता और प्रतिभा देखने को नहीं मिलती है। और बात करते हैं अयोग्य उत्तराधिकारी, जिस तरीके से कुशल क्षमता जलालुद्दीन में थी और जलालुद्दीन के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी में थी, उसे उसके पश्चात होने वाले जो उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी का मतलब जो सिंहासन पर बैठता है सुल्तान के पश्चात, जो एक राजा के पश्चात दूसरे व्यक्ति बैठता है सिंहासन पर, राजा बनता है, वो उत्तराधिकारी होता है। उत्तराधिकारियों में ये योग्यता और क्षमता देखने को नहीं मिलती है क्योंकि उनको जो उचित अवसर नहीं दिया जाता है। तो उसके पश्चात और ये देखी जाए तो भोग विलास की प्रवृत्ति, दो शासकों के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात, अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने के पश्चात अगर दूसरे शासकों की बात की जाए, कुतुबुद्दीन मुबारक को ले लीजिए आप, किस तरीके से वह भरे दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहनकर आने लग जाता है और राजकीय कार्यों के प्रति जो आलसी हो जाता है और किसी तरीके से उसमें ध्यान नहीं देता है, तो उस वजह से ये जो शासक है भोग विलास, इंद्रिय सुख और सांसारिक भोग में डूब जाते हैं और इस जो अवसर पाकर, उचित अवसर पाकर महत्वाकांक्षी और प्रतिद्वंदी व्यक्तियों द्वारा इस वंश की समाप्ति कर दी जाती है। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो चार अध्यादेश बनाए थे, उन जो चार कानून बनाए उसके तहत उसने जो तुर्क अमीरों की शक्ति है, जो विद्रोह के कारण बताते हुए उसमें तुर्क अमीरों के पास जो धन था उसको छीनने का प्रयास किया उस और उनके धन को छीन लिया जाता है। तुर्क अमीरों को जो प्रतिष्ठा थी, शक्ति और प्रतिष्ठा, उस पर नियंत्रण और अंकुश इसके द्वारा लगा दिया जाता है। और जब समय आता है तुर्क अमीरों की जो इसके प्रति वफादारी नहीं रहती है और जो महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को अवसर मिलता है, और तो उस समय शक्ति जो इनके पास नहीं होने के कारण तुर्क अमीरों द्वारा उनके प्रतिद्वंदियों का ही सहयोग किया जाता है और इनके प्रति विद्रोह, हमेशा विद्रोह की योजना इनके द्वारा बनाई गई। इस वजह से ये वंश जल्दी ही समाप्त हो जाता है। अब राजस्व व्यवस्था की बात करें तो राजस्व व्यवस्था के द्वारा जो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 75% तक, 75% जो हिस्सा है वो उत्पादन का, जो किसानों की उपज का जो 75% हिस्सा कर के रूप में ले लिया जाता, तो किसान इससे असंतुष्ट थे और यही असंतोष इनके जो वंश की समाप्ति का कारण बनता है। क्योंकि जब जिस समय विद्रोह की स्थितियां होती है तो जो जनता है, जनता के द्वारा किसी तरह की स्वामी भक्ति यहाँ पे दर्शाई नहीं जाती है। और बाजार व्यवस्था की बात करें तो बाजार व्यवस्था, जो कठोर बाजार व्यवस्था की गई, जो इतनी बड़ी सैनिक शक्ति है उसको बनाए रखने के लिए, तो उसमें बाजार व्यवस्था के दौरान व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ और व्यापारी वर्ग भी इनके विरोध में आ जाता है। और गुप्तचर व्यवस्था की बात करें तो गुप्तचर व्यवस्था में आम व्यक्तियों का जीना मुश्किल होगा और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके लिए इतने जो इनके प्रतिबंध लगा दिए गए और उनका आम जीवन बाधित होने लगा, तो इस गुप्तचर व्यवस्था के द्वारा जनता इनके प्रति जो सुल्तान है उनके प्रति आक्रोश था उनके मनों में, और समय पाकर उन्होंने जो प्रतिद्वंदी और महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को सहयोग किया और जिस वजह से इस वंश की स्थापना हो जाए। अब बात की जाए तो ये कहते हैं जो सुल्तानों, जो शासकों के द्वारा क्या किया गया, अमीर वर्ग को तवज्जो दी नहीं गई और निम्न कुलीय व्यक्तियों को ज़्यादा ही कुछ जो सुविधाएं इनके द्वारा उपलब्ध की गई और उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास किया गया और अच्छे अच्छे पदों पर उनकी नियुक्ति की, जो इनके साम्राज्य, जो इनके वंश की समाप्ति के पतन का मुख्य कारण बनते, जैसे मलिक काफूर की बात कर लो आप और नासिरुद्दीन खुसरो शाह द्वारा, जो इनके द्वारा उचित अवसर पाकर जो स्थिति परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती है, तो उस समय इस वंश को समाप्त करने में इनके द्वारा सहयोग किया जाता है। और देखा जाए तो इनमें जो आपसी लड़ाइयों के दौरान सिंहासन के जो प्रबल दावेदार हैं उनकी हत्याएं कर दी गई। अगर बात की जाए तो खिजर खां को अंधा करवा के मरवा दिया गया, मलिक काफूर के द्वारा अल्प खां को, सादी खां को, इनको मरवा दिया गया था। तो जो सिंहासन के दावेदार ही नहीं बचे तो वंश का तो पतन निश्चित है, पतन तो होना ही है। तो अगर कोई सिंहासन पर बैठने वाले व्यक्ति ही नहीं मिलेगा, अगर एक व्यक्ति अपने सिंहासन को बचाने के लिए बाकी सबको मार देता है, तो उस समय जो अगर उसकी हत्या होने के पश्चात कोई सिंहासन का दावेदार नहीं रहता है, तो निश्चित रूप से इस वंश का
का पतन तय होता है। और शुरू से ही बात की जाए तो इस वंश की स्थापना छल, कपट, षड्यंत्र और रक्तपात पर, ये कुछ इतिहासकार कहते हैं रक्तपात पर हुई थी। तो ये बोले लंबे समय तक टिक पाना और चल पाना मुश्किल प्रतीत हो रहा था। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी में प्रतिभाशाली योग्यता तो खूब थी, उसमें प्रतिभा और गुणों की भरमार थी, लेकिन उसमें मानवीय गुणों की कमी थी। वह काफ़ी क्रूर और अत्याचारी था, जिस वजह से उसके शासन जब तक सैनिक शक्ति उसके पास थी तब तक शासन था, और उसके मरने के पश्चात तुरंत ही 4 सालों में उसका साम्राज्य बिखर जाता है। अब बात करते हैं राजवंश में द्वंद्व फूट, आपस में झगड़े होने लग गए और आपसी षड्यंत्रों के कारण भी ये इनका पतन निश्चित होता है, क्योंकि जब आपसी झगड़े होते हैं और उनके द्वारा कुतुबुद्दीन मुबारक द्वारा अपने भाइयों को ही मरवा दिया जाता है, तो ये जो आपसी द्वंद्व मलिक काफूर द्वारा इन्हें आपस में झगड़े करवा दिए जाते हैं। अब जो कई प्रांतीय क्षेत्रों के शासक थे, जो केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई, तो उस दौरान उन्होंने विद्रोह करने शुरू कर दिए और इसको केंद्रीय शक्ति को कर जो टैक्स पहुंचाना मना कर दिया और इसकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। तो उसी समय दौरान जो ये अगर देखा जाए तो कई तरह के विद्रोह होते हैं और इस वंश का पतन हो जाता है। जब इसमें योग्य शासकों की जो अभाव देखने को मिलता है खिलजी वंश के दौरान, तो महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के द्वारा उचित अवसर पाकर इसे समाप्त कर दिया जाए, जिसमें सबसे आगे गयासुद्दीन तुगलक रहता है, जो गाजी मलिक पंजाब का सूबेदार होता है, उसके द्वारा अवसर पाकर इस वंश की समाप्ति कर दी जाती है। खिलजी वंश के पतन की अगर बात करें तो एक जो इतिहासकार हुए A.L. श्रीवास्तव, जिन्होंने मध्यकालीन भारत के इतिहास को लिखा है, उन्होंने एक बात कही है कि जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो व्यवस्था स्थापित की गई थी, उस व्यवस्था को दीर्घकालीन लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उसने अपने उत्तराधिकारियों और अपने पुत्रों को प्रशिक्षित नहीं किया, जिस वजह से अलाउद्दीन खिलजी के वंश का पतन शीघ्र ही हो जाता। ये बात किसके द्वारा की गई थी? A.L. श्रीवास्तव के द्वारा की गई थी। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो चाहो तो। और ओवरऑल से देखा जाए मूल रूप से तो सभी कारण है जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, न कि कोई एक कारण। ये सैनिक शक्ति ले लो, चाहे उसका स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन ले लो, सभी जो कारण है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, जिस वजह से ही इस खिलजी वंश की समाप्ति होती है और इसका पतन हो जाता है। बोलिए, यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आया, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, और तो आप निसंकोच पूछ सकते हो कमेंट्स के माध्यम से। और BA सेकेंड ईयर का हम जल्दी ही व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, उसके फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप अपनी जो प्रक्रिया है, जो आपके सुझाव है, जो आप हमें दे सकते हो, और किसी तरह का जो अगर आपको विस्तारित रूप से पढ़ना हो या कोई और हो तो आप निसंकोच हमें बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और आगे की क्लास में मिलेंगे आने वाली में, और उसमें हम जो एक नए वंश तुगलक वंश के बारे में शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।